हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आपको हम बता दें कि आज नवरात्रि है और आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए आज आपको और आपके पूरे फैमिली को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप माता का ध्यान रखें, पूजन करें, आपकी हर मनोकामनाएं माता रानी पूरी करेगी। यही माता से विनती, अनुरोध और रिक्वेस्ट है, इसलिए आप लोग 9 दिन में किसी भी दिन, यानी कि जब नवरात्र आपका शुरू हो, जैसे कि आज है फर्स्ट नवरात्र है, कल सेकेंड होगा, आज आप माता का पूजन करें, डेली करें, और ना हो तो कम से कम नहा धोवा के माता का भजन करके तभी खाना खाएं। माता रानी की कृपा पे सदा बनी रहे, यही माता से कामना है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, आज आपको हम बताने वाले हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स वाला है, 5 नंबर का है, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिया है, जिसमें आपको 8 प्रश्न देता है, उस 8 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आप 4 प्रश्न ऐसा चुनिए जो आपसे सॉल्व हो जाए, आपसे बन जाए। बस समझ में आ रहा है? आप 4 प्रश्न ऐसा चुनिए जो आपसे बन जाए, आपसे सॉल्व हो जाए, जो आपको नंबर दे। इसलिए 8 प्रश्न में से आप 4 प्रश्न वहीं चुने जो आपसे बन जाए। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड प्रश्न है आप देखिएगा, इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज। तो बिना त्रिभुज पढ़ाए हुए तो त्रिभुज समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम ही आता है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। दूसरा है आपका वृत्त। वृत्त बगैर पढ़ाए वृत्त समझ में नहीं आएगा, इसलिए वृत्त भी नहीं बना रहे, ठीक है? आपको अगले जब क्लास चलेगा उसमें आपको बताया जाएगा त्रिभुज और वृत्त। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का, इसलिए बिना पढ़ाए हुए समझ में नहीं आएगा, इसलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। उसके आगे अगला प्रश्न है, अगर मान लीजिए कि ये 2 प्रश्न अगर आप बाय द वे छोड़ भी देते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हुए भी आदमी छोड़ देता है क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो जो 4 प्रश्न है उस 4 प्रश्न को आप देखिए, चारों प्रश्न इजी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 33 नंबर जो प्रश्न है उसको ग्राफीय विधि से बनाना है, ये तो बहुत इजी है। स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, आपको लिख दिए हैं कि ग्राफीय विधि हल करें, समीकरण दिया है, क्लियर है। उसके बाद आपको 34 नंबर है जिसमें आपको निकालना है क्या, एक्सरसाइज 3 जो 6 है उसमें नाव धारा, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो क्वेश्चन है उसी पे एक क्वेश्चन दिया है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपको हाइट एंड डिस्टेंस में से, समुद्र की ऊंचाई से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी है, तो उसमें 2 समुद्री जहाज है जो कुछ कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर, कुछ डिग्री पर स्थित है, तो उस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद आप प्रश्न देखिए, इसमें एक 13 से रिलेटेड प्रश्न दिया है, एक खिलौना है जिसकी त्रियक ऊंचाई यानी कि त्रिज्या है 3.5 cm और उसकी ऊंचाई है 15.5 cm, तो उसका आयतन, खिलौने का आयतन निकालना है, तो बहुत ईजी है। उसके बाद आपको एक त्रिकोणमिति दिया है सिद्ध करने वाला, 8.4 का 5 में का, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्लियर है। उसके बाद आपको अंश हर दिया है, अंश हर निकालना है, ये भिन्न है, अंश हर ज्ञात करना है। तो अगर 2 प्रश्न ऊपर का हम छोड़ भी देते हैं तो 4 हमारे पास 6 प्रश्न बचता है, 8 प्रश्न में से अगर हम 2 प्रश्न ऊपर का छोड़ भी देते हैं 6 और 10 में का, फिर भी हमारे पास 6 प्रश्न बचते हैं और 6 में से हमको 4 का ही जवाब देना है। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप उसी प्रश्न का जवाब दीजिए जिस पे आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो आपको नंबर दे सके, क्लियर है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे एक समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि ग्राफीय विधि हल करने के लिए आपको एक सारणी चाहिए
दो सारणी चाहिए क्योंकि दो समीकरण है और दोनों सारणी से हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं और उससे उसका हल कैसे दे सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है। ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, ग्राफीय विधि से आपको हल करना है 9x-10y+12=0 तथा 2x+3y-13=0। इसमें पहला समीकरण जो है उसको ध्यान से देखिएगा, वो पहला समीकरण जो है 9x-10y+12=0 समीकरण है, इसमें जो है अचर को बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x+10y+ उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण एक। इस समीकरण से आप एक सारणी तैयार कर लीजिए, समीकरण एक से आप एक सारणी तैयार कर लीजिए। इस सारणी में जो ऊपर का लाइन है, जो ऊपर का खंड है वो आपका एक्स है और नीचे का खंड वाई ले लीजिए। बस समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप एक्स का मान रखिएगा वैसे वैसे आपको वाई का मान मिलेगा। कैसे देखिएगा, जैसे कि पहला मान हम रख रहे हैं एक्स का, एक्स बराबर जीरो, पहला मान हमने रख लिया एक्स का, एक्स बराबर जीरो, जो यहाँ जीरो अगर रख देते ही जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, वहाँ अगर नौ के पास एक्स के पास जीरो रख दे तो जीरो हो जाएगा और -10y=-12 हो जाएगा तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो वाई बराबर आपको मिल जाएगा 12/10, जिससे ये आपको दशमलव में दे सकता है, पॉइंट में। बस समझ में आ रहा, नीचे से अगर एक अंक के बाद दशमलव हटा दें, जीरो हटा दें तो हो जाएगा 1.2, तो एक तो जाएगा। अब ग्राफ खींचने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन एक जाएगा और दशमलव एक दो बढ़ेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब 10 पे जाते हैं तो एक हो जाता है। बात समझ में आए, तो ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब हम x का मान 0 रखें तो y का मान हमको मिला 1.2, क्लियर है। अगर आप दशमलव में नहीं लेना चाहते हैं तो आप x का मान बढ़ा के रखिए, x का मान बढ़ा के रखिए ताकि जो यहाँ का मान हो वो इधर आए तो बढ़ाए कि 10 से वो कट जाए। अगर दशमलव में नहीं लेना है तब, अगर यहाँ आप x का मान देखिएगा, अगर आप यहाँ x का मान x बराबर अगर आप यहाँ रखते हैं क्या एक, तो ये होगा 9 एकम 9, उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -12 या -9, तो माइनस माइनस प्लस 12, 9, 21 मिल जाएगा। फिर आपको वहीं 21 में आपको 10 से भाग देना पड़ेगा तो ये होगा 2.1। बस समझ में आ रहा है, तो पूरा इसमें कोई ऐसा सटीक मान कहीं ना कहीं मिलेगा जो दशमलव में ना आके दूसरे पॉइंट में आए, इसलिए अगर आप पॉइंट में नहीं लेना चाहते हैं तो मान बढ़ा के लिखिए और पॉइंट में लेना चाहते हैं तो लगातार ले लीजिए। जैसे कि हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमको मिल गया 1.2। अगर x का मान हमने 1 रखा, दूसरा मान देखिएगा, x का मान अगर 1 रखा तो x का मान 1 रखने से आपको क्या मिल जाएगा 9, यहाँ x का मान 1 है तो 1-10y=-12, तो ये हो गया 9 एकम 9 -10y=-12, तो प्लस है बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -10y=-12 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो -10y=-, अंक जुट के आ जाएगा 21 और चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन y=21/10 हो जाएगा, गुना कर रहा इधर आके भाग कर लेगा। तो जब नीचे से जीरो हटाते हैं तो ऊपर दशमलव चढ़ता है, या भाग कर दीजिए आप तो 10 × 2 = 20, एक बचा, दशमलव देंगे जीरो जाएगा, 10 एकम 10, भाग आता है ना, 10 से 21 में भाग कर दीजिए 10 × 2 = 20, घट के क्या आ जाएगा दशमलव को बदले के जीरो आ जाएगा, 10 एकम 10 पूरा कट जाएगा, यानी कि 2.1 मर्तबे कट जाएगा आपका। तो y का मान मिल जाता है 2.1, कब, जब x का मान 1 रखते हैं, तब जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान मिल जाता है 2.1। जब आप y का मान 3 रखते हैं, एक तो हो गया 2 रख लीजिए, जब आप x का मान 2 रखते हैं x=2, यहाँ देखिए समीकरण है 9 × x, ये तीसरा मान है,
तीसरा मान है x बराबर 2, तो 9 गुने एक्स, तो एक्स हो गया 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो 9 दुना 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो माइनस 10y बराबर माइनस 12 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10y बराबर माइनस माइनस प्लस, अंक जुटेगा चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 2 10, 1 का 1 2 1 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 3 30 कट जाएगा, तो 3 मिल गया आपको। कहाँ x का मान 2 रखे तो y का मान कितना मिला, 3, y का मान 3 मिल गया। उसी तरह एक और मान ज्ञात कर दीजिए, चौथा मान, जब चौथा निकालेंगे तो मान लीजिए चौथा x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 है तो x का मान रखिए, तो 9 गुने x का मान हो गया 3 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो 9 तिरका 27 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो माइनस दस वाई बराबर माइनस 12 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंक जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस का, तो 7 2 9 और 2 1 3 39, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 39 बट्टा 10 हो जाएगा। जब 10 से भाग दीजिएगा तो ये तो बहुत आसान भागा है, नीचे से 0 हटा दीजिए ऊपर दशमलव चढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 3.9, एगो 0 हटा तो एक अंक बाद दशमलव आ गया, तो हो गया 3.9, तो y का मान कितना हो गया 3.9, कब, जब x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 3.9, क्लियर है। तो इस तरह से आप मान रख के, मान लीजिए अगर जोड़ घटाव आता है तो बहुत कम समय लगता है आपको बनाने में, इस तरह से आप मान रख के आप निकाल सकते हैं x और y का मान, और आप सारणी तैयार कर सकते हैं। जब सारणी तैयार हो जाएगा तो ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है, सारणी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर हम इस हल को मिटा दे रहे हैं, तो इस हल को हटा दीजिए, अब दूसरा सारणी लेंगे, इसको हटा दीजिए, अब दूसरा सारणी में आ जाइए दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x को अचर को हटा दीजिए उधर बराबर में, तो माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ इसका सारणी ले लीजिए, ये इसका सारणी हो गया, इसको x ले लीजिए, y हो जाएगा। अब जैसे जैसे x का मान रखेंगे वैसे वैसे y का मान मिलेगा, बस समझ में आ रहा है, जैसे जैसे x का मान रखेंगे वैसे वैसे आपको y का मान मिलेगा। तो देखिए x का पहल का मान हमने 0 ले लिया, x का पहल का मान यानी कि x बराबर 0, तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स 0 प्लस 3y बराबर 13, तो ये तो 0 खत्म हो गया, 0 से 2 में गुना होगा तो कितने होगा 0, ठीक है। तो यहाँ जब x 0 हो गया तो ये तो 0 खत्म हो गया, तो 0 आप हटा दीजिए, जैसे ही हट गया इनकी 0 हो गया, तो प्लस भी इसके सामने से हटा, तो यहाँ ही गुना कर रहा है तो यहाँ आके क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, जब 3 से कटाइएगा, 3 से 3 चौका 12 और यहाँ से 1 निकलेगा तो दशमलव, फिर होगा 10, तो 3 तिरका 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिरका 9, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हो जाएगा आपका 4.3, लगभग ले लीजिए 4.3, क्या कि ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो, तो 4.3 हो जाएगा। दूसरा x का मान ले लीजिए 1, दूसरा x का मान 1 कर दीजिए, x बराबर 1, तो इसमें देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स का मान हो जाएगा 1 प्लस 3y बराबर 13, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 3y बराबर 13, 2 एकम 2, उधर जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y बराबर 13 में से 2 घटा दीजिए, तो हो जाएगा 11, और जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 11/3, गुना कर रहा है इधर आके भाग कर लेगा, तीन से जब कटाएंगे तो होगा 3 तिरका 9, क्या बचा 10 11, 2 बचा, दशमलव देंगे 2 के पास 0 जाएगा 20 होगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 6 18, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, तो ये हो गया 3.6, ये देखिए ये हो गया 3.6, एक्स का मान हमने 1 रखा तो वाई मिल गया 3.6, पूरा दशमलव में ही मिलता जा रहा है। अगर हम 2 रखते हैं
x बराबर 2 रखते हैं, तीसरा मान मान लीजिए तीसरा मान है x बराबर 2, तो x का मान 2 रखिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 13, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 4, 3y बराबर घट के 9 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 3 तिरका 9, y बराबर 3 मिले, ये सटीक मान मिला। x बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 3, आप चाहें तो यहाँ से भी मान लेके बना सकते हैं, अगर दशमलव में नहीं लाना है तो आप यहाँ से भी लेके बना सकते हैं। x 2 रखेंगे डायरेक्ट तो y 3 मिलेगा, एक और ऐसा मान ले लीजिए जिससे वो दशमलव में ना आके पूरा अंक में आ जाए। आइए आगे देखते हैं, x का चौथा मान ले लीजिए x बराबर 3, x बराबर 3 लेंगे तो दूसरा समीकरण में देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स हो गया 3 प्लस 3y बराबर 13, तीन जगह 3 दूना 6 प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर घट के 7 आ जाएगा, 13 में से 6 घट के 7 नहीं हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 3, तो 3 से कटा दीजिए 3 दूना 6, एक निकला, एक निकला ना, दस हम लोग देंगे एक के पास 0 जाएगा तो 10 होगा, तो 3 तिरका 9, फिर एक आएगा, फिर 3 तिरका 9, फिर एक तो कटेगा नहीं पूरा, तो y बराबर आपको मिल जाएगा कितना 2.3, तो हो गया पूरा पूरा नहीं कट रहा है, देखिए कोई भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हो गया 2.3, बस समझ आ रहा है। तो देखिए इस तरह से लगभग चार मान हम ज्ञात कर सकते हैं, चार मान आपका निकल जाएगा। अगर आप दशमलव में नहीं लाना चाहते हैं तो इस तरह से हल निकालते जाइए, एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, पाँच रखिए, कोई तो ऐसा मान होगा जिसमें दशमलव नहीं आएगा। अगर दो गो मान आप ढूंढ लेते हैं तो दो गो मान तो अपने आप निकल जाएगा, बस समझ में आ रहा है। अब जैसे इसी में देख लीजिए कि यहाँ दो है, यहाँ दो है तो यहाँ तीन है, ये तो दशमलव में नहीं है, बाकी सब तो दशमलव में है, तो यहाँ हम और मान रखते हैं, जैसे x का मान 4 रख लें इस समीकरण में लिए, देखिएगा इस समीकरण के लिए अगर x का मान 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 4 9 गुने यहाँ 4 रख दें तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो माइनस 10y बराबर माइनस 12 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 6 2 8 3 1 4, 10 से 48 कटेगा नहीं, इसका भी मान दशमलव में जाएगा तो 4 नहीं लेंगे। 5 रख के देखेंगे तो 5 नवा 45 होगा, 45 होगा, होगा ना 5 रखेंगे तो 45 उधर जाएगा तो वह माइनस होगा, तो माइनस 45 और माइनस 12 जब जोड़ेंगे तो ये होगा 5 दो 7 और 4 1 5 57, ये भी दशमलव में जाएगा, 10 से भाग करेंगे 57 में तो दशमलव में नहीं जाएगा, 57 में 10 से भाग दीजिएगा तो दशमलव में जाएगा। तो आपको 5 रखने पर भी नहीं मिला, 6 रख के देख लीजिए तो 9 6 54, ये भी प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो वो भी उधर जाके जुटेगा तो माइनस 12 और माइनस 54 को जोड़ के देख लीजिए तो 4 2 6 और 4 1 5 ये भी 56 हो गया। अब 10 10 से भाग करेंगे इसमें तो ये भी दशमलव में मिलेगा, तो ये भी नहीं लीजिए। दो गो मान अगर आप ढूंढ लेते हैं ना तो दो गो मान आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो लगातार मान रखिए, दशमलव में कटाइए या लिखिए, अगर दशमलव पे आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं तो, ना तो आप रख रख के मान निकालिए। तो इस तरह से आप सारणी तैयार कर सकते हैं। जब एक बार सारणी तैयार हो जाएगा, ये हल हटा दीजिए, ये हल आपको रफ में ही करना पड़ेगा, जब इस तरह से आप सारणी तैयार कर दीजिएगा तब आप ग्राफ खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको सटीक मान मिला है ना कहीं आपको सटीक मान मिलेगा, आइए निकाल के दिखाइए देते हैं आपको, काहे कि ये कहिएगा कि नहीं दिखाएं। 6 रखे, 6 के बाद 7 रख लीजिए, तो यहाँ 7 रखेंगे तो 9 सते 63, अब 63 प्लस है इधर उधर बराबर के लिए जाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस 63 और माइनस 12 तो 3 दो 5 और 6 बाई 7 75 हो गया, 10 से 75 तो कटेगा नहीं, अब 63 तो हुआ नहीं, तो 7 रखे थे 8 रख लीजिए तो 9 आई 8 रखेंगे तो होगा 9 8 72, तो माइनस 72 प्लस इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 72 और 12 तो 2 और 2
चार सात एक आठ, ये भी 84 हो गया। 10 से पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, ये भी नहीं हुआ। 9 रख लीजिए, तो 9 रखेंगे तो कितना होगा, 9 नवा 81 प्लस है, बराबर को उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 12 तो 2 एक 3 8 एक 9 ये हो गया 93। तब 10 से भाग कीजिएगा ना 93 में, तो ये भी 10 अमलों में जाएगा। अब 10 रख लीजिए तो 10 नवाई 90 हो जाएगा, और 90 जब उधर जाके जुटेगा 12 में तो कितना होगा, 2 9 1 10 ये हो गया 102। अब 102 भी 10 से नहीं कटेगा, बस समझ में आ रहा है। तो आपको कोई ना कोई मान ऐसा मिलेगा जो एकदम 10 से कट जाए वाला हो। 9 रख 10 रखे 11 रख के देखिए, 11 नवा 99। अब 99 में 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 2 11 9 1 10 1 11 ये भी नहीं होगा, ये भी 10 से नहीं कटेगा। अब 11 रख के देखेंगे तो 11 नवा 99, 12 रख के देखिए 12 नवा 108, 12 नवा 108। अब माइनस 12 ये भी प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 2 10 एक 0 1 1 2 1 ये 10 से कट जाएगा। अगर इसमें 10 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, तो बचेगा 12। एक्स का मान अगर आप 12 रखते हैं, यानी कि 12 नवा 108, एक्स का मान अगर 12 रखते हैं तब वाई का मान आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इतना करने के बाद आपको मिलेगा, अगर एक्स का मान 12 रखते हैं तब वाई का मान 12 मिलेगा। अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो इस सारणी को देखिएगा, इस सारणी को देखिए, ए वाला सारणी, अगर एक्स का मान आप 2 रखते हैं तब 3 मिलेगा, दूसरा मान अगर आप 12 रखते हैं तब आपको 12 मिलेगा। तो ठीक है, लाइट थोड़ा चला गया है इसलिए इमरजेंसी लाइट से काम चला रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा लो। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसमें अगर लेते हैं तो इसमें दशमलव का झंझट है, लेकिन इसमें थोड़ा मान बढ़ा के लेते हैं तो इसमें दशमलव का झंझट नहीं है। इसलिए ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि दशमलव में ग्राफ खींचना बड़ा मुश्किल होता है, खिंचाता है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सटीक मान पे अगर ग्राफ खींचते हैं तो मुश्किल नहीं होता है। तो अगर दो हल आप इस तरह से हल करके निकाल दे रहे हैं, मान रख रख के अगर आप हल निकाल दे रहे हैं, तो आपको दो मान निकाल दीजिएगा तो आपको दो मान क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 10 से 12 हुआ है, 2 से 12 हुआ है, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, तो 10 बढ़ा दीजिए तो 12 10 22, 22 में 10 बढ़ा दीजिए तो 22 से 10 32। नीचे देखिए 9 से 12, 3 से 12 हुआ है तो कै गो बढ़ा है, 9 वो बढ़ा है ना, 9 3 12, तो 12 इसमें बढ़ा दीजिए तो 12 या 9 21, 9 और बढ़ा दीजिए 21 या 9 30, देख रहे हैं। तो इसमें सटीक ग्राफ खींचाता है। अब ये भी झंझट है कि इतना मान आएगा कहाँ से, तो आपको ऊपर में जो है एक्स के एक्स में आपको दो का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। जब ग्राफ बनाइएगा तो एक्स अक्ष पर जाएगा, ए एक्स अक्ष पर जाएगा, तो इस एक्स अक्ष पर आपको दो का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। दो का दो, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चौका आठ, दो पाँच दस, दो छक बारह, इस तरह दो बढ़ा बढ़ा के आपको 32 तक लिखना पड़ेगा, जो आपको 16 लाइनों पर कंप्लीट होगा। उसमें ग्राफ तो उतना बड़का होता नहीं है, तो इसलिए आपको मजबूरन इस पे खींचना पड़ता है। तो इसमें दशमलव में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, ग्राफ तो खींचना है तो ग्राफ का कॉपी उठाइए, और ग्राफ खींचना आपको सिखाया गया है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिए, यानी कि पीछे जो शुरुआती क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 या 3 में आपको ग्राफ खींचने के लिए बताया गया है, उसमें आप जाके देखिए, आपको ग्राफ क्लियरली समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, उसमें एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल वीडियो बना के आपको डाला गया है जिसमें सिर्फ ग्राफ खींचना सिखाया गया है, इसलिए आप लोग वहां से जाके पूरा क्लियरली ग्राफ खींचना सीख सकते हैं। तो कैसे ग्राफ खींचा जाता है, सारणी तो हमने हल करके तैयार कर दिया, सारणी तैयार हो जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। तो अगर आपको ग्राफ खींचना नहीं आ रहा है तो इस पर हम कितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे,
आप कॉपी लीजिए और अपने से ग्राफ बनाइए। अगर ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जाइए, एक्सरसाइज 3 में स्पेशल आपको ग्राफ खींचने के लिए बताया गया है, वहां से आप देख के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं क्या है, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।